शहर की टाउन थाना के पुलिस ने शराब की खेप बरामद की। इस दौरान दो शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इनमें उदवंत नगर थाना क्षेत्र के इकारी सात गांव निवासी धीरज कुमार सिंह व यूपी के शामली जिले का रहने वाला दिनेश सिंह शामिल है। हालांकि मुख्य तस्कर कारी सात गांव निवासी अमन सिंह भागने में सफल रहा। इनमें धीरज कारी सात गांव का भांजा है, वहीं काफी सालों से नाना के घर रहता था। शराब की खेप सोमवार की रात शहर से सटे सिंघई तीन मुहानी के समीप बरामद की गई। शराब इनोवा कार से हरियाणा के सोनीपत से लाई जा रही थी। सदर के एसडीपीओ पंकज कुमार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोमवार की रात एसपी आदित्य कुमार को दिल्ली नंबर कार से शराब की खेप आने की सूचना मिली। इस आधार पर एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम बनाकर सिंघई तीन मुहानी के समीप वाहन चेकिंग शुरू की गई। इस क्रम में यूपी नंबर की इनोवा कार पकड़ी गई। इस दौरान अंधेरे का लाभ उठाते हुए तस्कर भाग निकले, लेकिन चालक सहित दो पकड़े गए। तलाशी के दौरान 286 बोतल 3X रम बरामद की गई। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार करते हुए कार व शराब जब्त कर ली गई। एसडीपीओ ने बताया कि कार भी चोरी की लग रही थी, इसकी जांच की जा रही है। टीम टाउन थाना इंचार्ज चंद्रशेखर गुप्ता, जमादार राजेंद्र राय के साथ क्रॉस मोबाइल के जवान संजय यादव व मनीष कुमार शामिल थे। आप देख सकते हैं, ये वही गाड़ी है जो पूरी तरीके से, एक तरीके देखा जाए तो ये गाड़ी में चारों तरफ शराब की बोतलें भरी पड़ी थी और गुप्त तरीके से रखा गया था। चारों तरफ जहां भी देखें, इन सब सीटों के पीछे, सीटों के नीचे चेंबर नुमा कमरा बनाया गया था ताकि उसके अंदर शराब को आसानी से रखा जा सके, ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन पुलिस ने अपराधियों को मंसूबे पर पानी फिरते हुए गाड़ी के साथ शराब तस्कर और शराबी शराब को भी बरामद कर लिया है।